Hey guys, welcome back to my channel once again. तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फाइनली जिस फॉर्म का सबसे ज़्यादा इंतजार था उत्तराखंड के युवाओं को जो कि बीएड करना चाहते थे कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से, फाइनली जो है उसके फॉर्म आ गए हैं। चलिए डिटेल में इस बारे में चर्चा करेंगे, क्या सिलेबस है, कब से फॉर्म भरना है, कैसे है, कब इसका एंट्रेंस एग्जाम है, पूरी डिटेल है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा फॉर्म ये जो PDF है मैंने अपने टेलीग्राम के ग्रुप में अपलोड करके रखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जरूर ज्वाइन करें। तो सत्र 2022 और 24 के लिए ये जो है स्टार्ट हुए हैं फॉर्म। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की। तो आप देख सकते हैं प्रवेश शुल्क यानी कि 1200 रुपये है, उसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल शुल्क 50 रुपये, यानी कि कुल 1250 रुपये जो है आपको पे करने पड़ेंगे फीस के तौर पर। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 8 तारीख यानी कि कल से। याद हो हमने एक कल सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि कल से जो है फॉर्म ऑनलाइन आ सकते हैं, यानी कि 8 तारीख से आ सकते हैं। देखिए आज जो है फॉर्म जो है आ गए, ठीक है। और जो लास्ट डेट है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है 30 जुलाई है, और जो उसके ठीक अगले 7 दिन बाद जो है 7 अगस्त को जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है। और बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के तहत संचालित बीएड पाठ्यक्रम के प्रवेश परीक्षा हेतु आयोजित की जाएगी, जिसमें प्राप्तांक अंकों का अधिमान और यहाँ पर मतलब ये कहने के अनुसार है कि जो आपके अंक आएंगे और उसके अलावा जो उसमें वेटेज होगी उसके जोड़ के अनुसार यहाँ पर दी जाएगी, और 2 साल का ये कोर्स है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं परीक्षार्थी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जो भरेंगे NCTE के अनुसार जो है आपको 50% जो है ग्रेजुएट होना चाहिए, 49.99 जो है आप यहाँ पर नहीं चले। अगर आप आरक्षित श्रेणी में हैं तो 45% जो है आपको यहाँ पर लाना है, 44.99 समथिंग ऐसा नहीं लाना है। उसके अलावा इंजीनियरिंग या फिर इस तरह के बैकग्राउंड के हैं तो यहाँ भी आपको कम से कम 55 यहाँ लाना है। ये तो सारी डिटेल है, एक बार इसको आप ज़रूर पढ़ लें, समझ लें, और इसमें जो आप एलिजिबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते हैं वो इसको आप ज़रूर एक बार समझ लें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किस तरह से यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। तो 3 घंटे का ये एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, जहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 2 घंटे में आपको लैंग्वेज टेस्ट, जनरल नॉलेज और टीचिंग एप्टीट्यूड दिया जाएगा, और जो 1 घंटा होगा ऑप्शन पेपर होगा, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 50-50 अंकों के 4 होंगे, यानी कि कुल मिला के 200 मार्क्स का ये जो है रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 4th होगा यानी कि डी ऑप्शनल पेपर होगा, वहाँ पर आपको आपके जो ग्रेजुएशन होगा यानी कि अगर आर्ट्स से हैं तो आज वाणिज्य हैं, वाणिज्य तो आप विज्ञान से हैं यानी कि साइंस ग्रुप से हैं तो साइंस ग्रुप मेनली BCA BBA जो भी ये बैचलर इन इंजीनियरिंग आते हैं वो आपके साइंस ग्रुप में आएंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर कही गई है कि परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 40% अथवा 80 नंबर 200 में से लाने हैं तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, नहीं तो आप नहीं माने जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा दोनों प्रश्न पत्रों में मिलाकर 27% आए, यानी कि कुल 57 अंक जो है लाने होंगे आरक्षित वर्ग को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप इसको डिटेल से पढ़ लें और उसके अलावा स्टडी कर लें। उसके अलावा जो रिजर्वेशन होगा आप देख सकते हैं अलग अलग हैंडीकैप और तमाम तरह के, और जो वेटेज होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जितने भी जो अलग अलग होते हैं NCC वगैरह के तमाम जितने भी वेटेज हैं इसको आप ज़रूर एक तरीके से ऊपर से नीचे तक पढ़ लें। अब बात कर लेते हैं फीस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी वीडियो का स्टार्ट में आपको बताया कि ऑनलाइन आपको फ़ी करनी होगी 1250 आपको टोटल फ़ी करनी है, जिसमें से आप देख सकते हैं 1200 रुपये आपकी फ़ीस है, 50 रुपये बैंक के इंट्रीमेंट चार्ज है। हालांकि यहाँ पर उन्होंने ये नहीं लिखा है कि जनरल की है या फिर OBC की है या EWS की, आई थिंक ये मेरे को लग रहा है टोटल किसी भी कैटेगरी से आप हो आपको जो है पूरा फीस जो है यहाँ पर पे करना पड़ेगा। आप जो है फ़ी ऑनलाइन कर सकते हैं 2022-23 के लिए ये जो है फॉर्म जारी हुए हैं, और किस तरह से फॉर्म भरना है वो यहाँ पर उन्हें बताया। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। तो एग्जामिनेशन सेंटर आप देख सकते हैं हल्द्वानी, काशीपुर, खटीमा, किच्छा, नैनीताल, रामनगर और रुद्रपुर, यानी कि कुल मिला के 7 जो अलग अलग बड़े जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ
डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है यहाँ पर एग्जामिनेशन होने वाले हैं। यदि उपरोक्त परीक्षा स्थलों में से किसी एक परीक्षा केंद्र में प्रवेश परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम या ज़्यादा होगी तो उस परीक्षा केंद्र को आवश्यकता अनुसार निकटतम स्थान पर जो है मर्ज किया जाएगा, ये उन्होंने कहा है। और उसके अलावा जो एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट होगा वहाँ पर बाद में दे दिया जाएगा, और उसके अलावा तमाम जो डॉक्यूमेंट है आपको वहाँ पर एंट्रेंस के अनुसार लाना पड़ेंगे, एंट्रेंस के बाद जो आपकी काउंसलिंग होगी उनमें लाने। अब बात कर लेते हैं किस विद्यालय में कितनी सीट है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी लिस्ट है विश्वविद्यालय से संबंध प्राप्त महाविद्यालयों की सूची तथा सीटों की संख्या। तो आप इसे पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर से लेकर ये स्टार्ट के दो गवर्नमेंट हैं, ठीक है, बाकी यहाँ पर उसके अलावा सब यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस वगैरह आपको यहाँ पर जो है पूरी तरह से यहाँ पर आपको ये सेल्फ फाइनेंस लिस्ट जो है दिखाई देगी। तो गाइज ये रही पूरी डिटेल, आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक के बटन को दबा दो और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। उसके अलावा कैसे इसका फॉर्म भरना है उससे रिलेटेड वीडियो हम बहुत जल्दी शाम तक आपके लिए लेके आएंगे। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और हाँ, इंस्टाग्राम पे अगर आप चाहें तो मैं फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा।